नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टारवी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन, उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे और हमारे साथ अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य बढ़िया कर रहे होंगे। आपके संस्थान में आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में एक बैच प्रारंभ किया गया है और इस बैच में आपके सभी सम्मानित सदस्य टीचर, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका विज्ञान हो और साथ ही साथ मेरा विषय भूगोल हो, सबके आपको डेमो क्लास दे दिए जा रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आज फिर से आप सभी के सामने एक डेमो क्लास लेकर उपस्थित हूं, लेकिन आज के इस डेमो क्लास में हम भूगोल को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आज की इस डेमो क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, हम लोग अध्ययन करेंगे पर्यावरण का। दो लेक्चर मैंने आपको भूगोल के दिए हैं और दो लेक्चर मैं आपको एनवायरमेंट के दूंगा, फिर आगे चलकर हम लोग दो लेक्चर हम यूपी स्पेशल के भी पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से अभी ये डेमो क्लास चल रहा है। कुछ आप लोग वीडियो के जैसे कमेंट्स में पूछते हैं क्या सर सेपरेट बैच मिलेगा, बिल्कुल आपको एकदम सेपरेट बैच मिलेगा, एक क्लास से भी आपको मिल सकती है क्योंकि देखिए आपके क्लास का ही भाग है। साथ ही साथ जब आप बैच में आपका बैच बन जाएगा, जब आपके बैच में रेगुलर क्लासेस चलने लगेंगी तो उन क्लासों में आपको सेपरेट पढ़ाया जाएगा, प्रत्येक टीचर आपको सेपरेट तरीके से पढ़ाएगा, ना केवल पढ़ाएगा, पढ़ाने के साथ साथ आपका रेगुलर टेस्ट रहेगा चैप्टर वाइज, आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल में जितना कुछ हो सकता है सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इस सबको पाने के लिए आपको केवल एक छोटा सा कार्य करना है और छोटा सा कार्य यह करना है कि जो आपको इस स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आपको एंट्री आर ओ ए आर ओ लिखकर सेंड करना है। और जैसे ही आप एंट्री आर ओ ए आर ओ लिखकर हमें सेंड करेंगे, हमारी काउंसलर सदस्य आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज के माध्यम से बताएंगे इस बैच की विशेषताएं क्या है, इस बैच की फीस क्या है और कब से रेगुलर क्लासें आपकी संचालित होंगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं, अभी आपको डेमो क्लास दी जा रही है, अभी आपको डेमो क्लास दी जा रही है, वही सारे टीचर हैं जिनको आप बार बार प्रत्येक बैच में देखते हैं, सभी टीचर अपनी विषय में महारथी हैं। और ऐसा जो मैं बोल रहा हूं, जितने भी सदस्य हमारे किसी ना किसी बैच में पढ़ रहे हैं वो आपको बता सकते हैं कि कितनी ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ाया जाता है। हम पूरे भारत देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको लाइव क्लासेस देते हैं और हमारी कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो अब आइएगा, हम आपको लेकर चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक जो मैंने एनवायरमेंट से लिया है, एक बढ़िया और महत्वपूर्ण टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जहां से बार बार ना केवल आरओ एआरओ के एग्जाम में बल्कि पीसीएस के एग्जाम में या आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है प्रदूषण। टॉपिक का नाम है क्या है? प्रदूषण। अगर मैं आपसे कहूं कि बात बताइएगा, आज पूरी दुनिया एक प्रदूषण से प्रभावित है और उस प्रदूषण का नाम क्या है? कोविड। तो कोविड जो है, कोरोना वायरस जो है, कोविड जो है, यह भी एक प्रकार का वायु प्रदूषण ही तो है। किसके माध्यम से फैल रहा है? हवा के माध्यम से। हवा के माध्यम से फैल रहा है और हवा के माध्यम से फैलने के कारण ही हम लोग क्या करते हैं? मास्क का उपयोग कर रहे हैं। हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं? मास्क का उपयोग कर रहे हैं। तो मास्क का उपयोग हम कर रहे हैं किससे बचने के लिए? जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है, वो हवा के माध्यम से फैलता है और हवा हम किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? अपने नाक के माध्यम से ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हवा ग्रहण करते हैं। तो इसमें उसके लक्षण ना आ जाएं, कोरोना वायरस के लक्षण ना आ जाएं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज कर रहे हैं अपना मास्क। क्या कर रहे हैं? मास्क। तो पूरी दुनिया आज कोविड से प्रभावित है। अगर मैं आपसे सिंपल से शब्दों में पूछूं, कि बताइएगा पॉल्यूशन जो है, अर्थात जो प्रदूषण है, सिंपल सी एक डेफिनेशन बताइए प्रदूषण क्या है, व्हाट इज पॉल्यूशन। तो आप सिंपल से शब्दों में बताएंगे, कोई भी प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, अगर आपसे पूछा जाए प्रदूषण क्या है, तो आप कहेंगे सर प्रदूषण एक समस्या है। तो आप कहेंगे प्रदूषण क्या है? प्रदूषण एक समस्या है। कोई भी प्रदूषण हो, प्रदूषण क्या है हमारे लिए? हमारे लिए प्रदूषण एक समस्या है। हमने कहा कोरोना वायरस एक प्रदूषण है। अगर कोरोना वायरस एक प्रदूषण है तो कोरोना वायरस हमारे लिए क्या है? समस्या। और ये इतनी भयानक समस्या है, ना केवल हम,
आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, रोजगार उनका हनन हो रहा है, अन्य चीजों का हनन हो रहा है, न केवल हम आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से हम लोग क्या हो रहा है, बीमार। अगर आपके मन में किसी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अगर आपके मन में भय बैठ जाता है तो ना चाहते हुए भी आप उससे बार बार डरते रहेंगे। आपको हमेशा बताया जाता है कि रेलिंग के माध्यम से, या आप लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट का बटन दबा रहे हैं, उसके माध्यम से भीड़ भाड़ स्थान पर जाते हैं, उसके माध्यम से कोरोना फैल रहा है, आप देखिएगा, आप इन सभी से बचने के उपाय सोचते हैं, आप इन सभी से बचने के क्या सोचते हैं, उपाय सोचते हैं। तो सिंपल सी भाषा में पूछा जाए प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण समस्या है, और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, या हम कह सकते हैं प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो कारण है, उन कारकों को हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके माध्यम से किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या नाम दिया जाता है, तो नाम दिया जाता है प्रदूषक। आपसे मैं कहूं कि कोरोना एक प्रदूषण है, कोरोना एक समस्या, बताइएगा कोरोना उत्पन्न करने वाले प्रदूषक कौन से हैं। तो हम लोगों ने सुना है कि चीन की वुहान नाम के शहर में, वहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक लैब थी, वहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां के लोग क्या कर रहे थे, चमगादड़ों को पानी में डालकर उनका जूस पी रहे थे, सांपों को खा रहे थे, तो ये सब क्या हो गए, ये सब प्रदूषक हो गए, इनके माध्यम से क्या है, हमारा कोविड, हमारा नहीं है बल्कि कोविड जैसी बीमारी, कोविड जैसा प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना। तो ये तो मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं, क्योंकि अगर रिलेट करके चीजें समझाई जाती हैं तो चीजें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। साथ ही साथ जब एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कहानी नुमा पढ़ाया जाएगा, तो आप आसानी से उनके आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। चलिएगा, मैं एक प्रदूषण आज आपको पढ़ाने चल रहा हूं, और जिस प्रदूषण को मैं लेकर आया हूं आज आपके सामने, उस प्रदूषण को मैं पढ़ाने चल रहा हूं, प्रदूषण का नाम है वायु प्रदूषण। प्रदूषण का नाम क्या है, तो वायु प्रदूषण, ठीक ना। चलिएगा, एयर पॉल्यूशन आज हम लोग पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण। और अगर एयर पॉल्यूशन की, वायु प्रदूषण की बात की जाए, एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण की बात की जाए, तो देखिएगा हमने आपसे क्या कहा कि प्रदूषण एक समस्या है, तो प्रदूषण तो समस्या वायु, अगर हम वायु की बात करें तो वायु क्या है, वायु जो होती है ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण। वायु में कई प्रकार की गैसें हैं जो पाई जाती हैं, तो हमने लिख दिया वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और इस विभिन्न गैसों के मिश्रण में सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक अनुपात में जो गैस पाई जाती है उस गैस का नाम क्या है, तो उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। यदि हम सिंपल से शब्दों में लिखें तो इसकी मात्रा कितनी होती है, तो इसकी मात्रा होती है सर 78%। हमारे वायुमंडल में, हमारी वायु में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, यह सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जो वायुमंडल का सबसे बड़ा संघटक भी होती है, या वायु का सबसे बड़ा संघटक होती है, और वायु में कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78%। और दूसरी जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है सर 21%। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 21%। अब देखो बाबू, यहां पर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, किसी भी किताब में आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक ना। अगर बाबू मैं इन दोनों गैसों के अनुपात को ऐड करूं, जोड़ू, तो बताइए कितना आएगा, 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है, 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सम्मिलित भाग जो है वो लगभग 99% भाग है, यानी वायु में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन पाई जाती है, और इन दोनों गैसों का जो अनुपात है या इन दोनों गैसों का जो मिश्रण है वो लगभग कितना है, 99% है। जब हमारी वायु में 21% ऑक्सीजन पाई जा रही है, तभी तो हम और आप सांस ले पा रहे हैं, तभी तो हम और आप क्या कर रहे हैं, तभी तो हम और आप सांस ले पा रहे हैं। यदि मान लीजिएगा इसको ऐसा कर दिया जाए, यदि मान लीजिएगा इसको ऐसा कर दिया जाए कि वायु में जो नाइट्रोजन 78% पाई जा रही है, इसको बदल दिया जाए, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा हो जाए 87%। हमने अंकों को बदला है केवल, यहां पर 78 था और यहां पर 87 कर दिया,
और यहां पर ऑक्सीजन जो 21% है इसको कर दिया जाए कितने प्रतिशत, इसको कर दिया जाए 12%। इसको क्या कर दिया जाए, इसको कर दिया जाए 12%। बाबू आप फिर से ऐड कीजिएगा, इनको दोनों को जोड़िएगा तो ये फिर से भी कितना आता है 99%। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर जो गैसों का अनुपात है उनका योग भी 99 है और यहां पर जो गैसों का अनुपात है उनका योग भी 99 है। आप बताइएगा हम और आप तब अच्छे से सांस ले पा रहे हैं जब हमारी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 21%। यदि इस ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दिया जाए, यदि इस ऑक्सीजन की मात्रा को 12% कर दिया जाए तो बताइएगा क्या सांस लेना संभव है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में सांस लेना संभव नहीं है। और जब ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में सांस लेना संभव नहीं है तो इसी को, इस समस्या को ही हम क्या नाम दे देंगे, तो इस समस्या को ही नाम दिया जाएगा वायु प्रदूषण। अब ये तो मैंने अपने तरीके से आपको समझाया, अब मैं किताबी भाषा बोलता हूं। किताबी भाषा में ऐसा लिखा रहेगा, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और इन गैसों के अनुपात में, जो ये गैसें हैं, यदि इन गैसों के अनुपात में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाए, भाई 78 थी हमने 87 कर दिया, 21% थी हमने 12% कर दिया, तो वायु में पाए जाने वाली गैसों के अनुपात में परिवर्तन कर दिया जाए तो वायु में पाए जाने वाली गैसों के अनुपात में परिवर्तन से जो समस्या उत्पन्न होगी उस समस्या को ही नाम क्या दिया जाएगा, वायु प्रदूषण नाम दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो हमारी वायु है इस वायु में किसी दूसरे प्रकार के प्रदूषकों को मिला दिया जाए या वायु में किसी दूसरी गैस को मिला दिया जाए जिससे हमें सांस लेने में समस्या हो और जब सांस लेने में समस्या होगी तो इसी को क्या नाम दे दिया जाएगा, वायु प्रदूषण। देखो मैंने यहां पर भी लिखा है प्रदूषण क्या है, प्रदूषण एक समस्या, कोई भी प्रदूषण हो प्रदूषण हमारे लिए क्या है, प्रदूषण हमारे लिए समस्या है। तो आपको दो में से कोई भी डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि यदि वायु में जो गैसें पाई जा रही उनके अनुपात में परिवर्तन करने से जो समस्या उत्पन्न होगी, सांस लेने में समस्या होगी, तो जब सांस लेने में समस्या होगी तो इस समस्या को ही क्या नाम दे दिया गया, इस समस्या को ही नाम दे दिया गया वायु प्रदूषण। क्या नाम दे दिया गया, तो इस समस्या को नाम दे दिया गया वायु प्रदूषण। बोलिएगा इतनी बात क्लियर है, तो अब आगे बढ़िएगा। सबसे पहले हमने ये समझा वायु प्रदूषण क्या है, अब इसी का हम दूसरा पार्ट समझेंगे, वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, ये हमारा दूसरा पॉइंट है इसी का। तो वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कई सारे कारक हैं, वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कई सारे कारक हैं। जैसे आपकी तेल रिफाइनरी है तो तेल रिफाइनरी में हम तेल का परिशोधन करते हैं और जब तेल रिफाइनरी में तेल का परिशोधन करेंगे तो उससे कोई ना कोई विषैली गैस निकलेंगी। तो एक साइड हम क्या लिखेंगे कि कौन कौन से स्रोत हैं, कहां कहां से वायु प्रदूषण उत्पन्न होगा, और उसी के अपोजिट लिखेंगे कि अगर वायु प्रदूषण कोई स्रोत उत्पन्न कर रहा है तो वहां से कोई ना कोई विषैली गैस निकलती होगी। जैसे चलिएगा एक एक से हम इसको समझाते हैं तो लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि हमारा जो धान का खेत है, धान का खेत ये वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, धान का खेत या दलदल क्षेत्र, धान का खेत या दलदल क्षेत्र, धान का खेत दलदल क्षेत्र या कोयला की खदानें जहां पर होती हैं, कोयला खदान, कोयला खदान एवं पशुओं की जुगाली, पशुओं की जुगाली का मतलब समझते हैं, जब पशु खाना खा रहा होता है तो खाना खाने के बाद वह अपने खाने को पचाने के लिए मुंह चलाता रहता है, जब पशु खाने को पचाने के लिए अपना मुंह चलाता है तो पशुओं के मुंह चलाने से गैस उत्पन्न होती है और उस गैस का नाम है मीथेन, और पशुओं के मुंह चलाने की प्रक्रिया को नाम दिया जाता है जुगाली। क्या नाम दिया जाता है, जुगाली। तो चाहे धान का खेत हो, चाहे दलदल क्षेत्र हो, चाहे आपका कोयला खदान हो, पशुओं की जुगाली हो, इन सभी से जिस गैस की प्राप्ति होती है उस गैस का नाम मीथेन है
और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगला देखिएगा, जंगलों में लगने वाली आग और जंगलों में लगने वाली आग को वनाग्नि कहते हैं। तो जंगलों में लगने वाली जो आग है, जंगलों में लगने वाली आग को वनाग्नि कहते हैं। तो वनाग्नि, अगर जंगलों में आग लगी हुई है तो जंगलों में आग के लगने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो दूसरा प्रदूषक हो गया, दूसरा कारक हो गया वनाग्नि। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो ज्वालामुखी प्रक्रिया, जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया में लावा निकलता है। लावा के साथ साथ क्या निकलती हैं? कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड। तो मुख्य रूप से यही दो गैसें निकलती हैं, SO2 और कौन सी है, H2S, ठीक ना। तेल रिफाइनरी, जो जहां पर तेल परिशोधन शालाएं होती हैं, तेल परिशोधन शाला, तेल परिशोधन शाला, तो जहां पर तेल परिशोधन शालाएं होती हैं या जहां पर तेल परिशोधन शाला होती है, वहां से जो गैस की उत्पत्ति होती है, उस गैस का नाम क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड। जहां पर तेल रिफाइनरी होंगी, उन तेल रिफाइनरी में जहां तेल को रिफाइन करते हैं, तो वहां से भी कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके आगे बात करें, जो हमारे जेट विमान होते हैं, जेट विमान या लड़ाकू विमान, तो जेट विमान के ईंधन के जलने से, जेट विमान के ईंधन के जलने से, जेट विमान के ईंधन के जलने से, तो जेट विमान का ईंधन जलता है, तो जेट विमान के ईंधन के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। किसी भी गैस के ऑक्साइड को हम एक्स से लिखते हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। और नाइट्रोजन के तीन ऑक्साइड होते हैं, N2O होता है, NO होता है और NO2 होता है। N2O होता है, NO होता है और NO2 होता है। ये तीन जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जेट विमान के ईंधन के जलने से निकलते हैं, जेट विमान के ईंधन के जलने से निकलते हैं, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर अगली बात की जाए, तो जो हमारे जीव जंतु हैं, जब मर जाते हैं और मरने के बाद सड़ते हैं, तो जैविक पदार्थों के अंतर्गत जीव जंतु भी आते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके घर में कोई सब्जी पड़ी हुई है, वो सब्जी सड़ गई है, तो जब वो सड़ेगी तो उससे भी कोई ना कोई गैस निकलती होगी। तो यहां पर हम लिख लेंगे जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से, ठीक ना, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से, जैविक पदार्थों के, ये पूछा जाता है, पूछा कैसे जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उत्पत्ति कहां से होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उत्पत्ति कहां से होती है, ठीक ना। मीथेन गैस, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जहां से मीथेन का उत्पादन होता है या मीथेन गैस निकलती है? निम्नलिखित में से और कौन कौन से क्षेत्र है जहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तेल रिफाइनरी से निकलने वाली गैस कौन सी है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से, तो जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से कौन सी गैस निकलती है? तो एक तो निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी निकलती है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। एक निकलती है SO2 और एक निकलती है H2S। ये कौन सी निकलती है? H2S, ठीक ना। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि जो वाहन होते हैं, डीजल या पेट्रोल से चलने वाले वाहन, तो डीजल या पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में जो गैस निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ CO है और CO के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जीवाश्म ईंधन का मतलब पेट्रोल है और कोयला, पेट्रोल हो गया चाहे कोयला हो गया या फिर गैस, ठीक ना। ऐसे खनिज जिनमें जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं उनको हम जीवाश्म खनिज कहते हैं। तो जीवाश्म खनिज के जलने से,
जीवाश्म खनिज के जलने से। तो जीवाश्म खनिज के जलने से कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक ना। इसके अलावा जो हमारे एयर कंडीशनर है, एसी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, तो और साथ ही साथ प्लास्टिक को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? सबसे हानिकारक गैस निकलती है, और उस सबसे हानिकारक गैस का नाम क्या है? तो उस सबसे हानिकारक गैस का नाम है कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन का, फ्लोरीन का और कार्बन का एक एक अणु होता है। तो एसी से एयर कंडीशनर, आपका फ्रिज, और प्लास्टिक को जलाने से। किसको जलाने से? प्लास्टिक को जलाने से। प्लास्टिक को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो इनको जलाने से जो गैस निकलती है वो है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस निकलती है? तो इनको जलाने से जो गैस निकलती है उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कई बार एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जहां पर टॉयलेट्स होते हैं, जहां पर शौचालय होते हैं, या जहां पर हम आमतौर पर टॉयलेट करने जाते हैं, वहां पर एक दुर्गंध पाई जाती है। वह दुर्गंध किस गैस की होती है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जहां पर टॉयलेट होते हैं वहां पर जो दुर्गंध आती है वो किसकी होती है, ठीक ना। ये कमेंट बॉक्स में आपको हमें बताना है। तो ये महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाली स्रोत है, और कौन से स्रोत से कौन सी गैस निकलती है, हमने ये भी लिखा। स्रोत का मतलब है आपसे पूछा जाएगा धान का खेत या दलदल क्षेत्र या पशुओं की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है, तो ये स्रोत हो गया। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। वनों में लगने वाली आग से CO, CO2, राख, धुआं निकलता है। ज्वालामुखी से SO2, H2S निकलती है। जहां पर तेल परिशोधन शालाएं होती हैं वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। जेट विमान के ईंधन के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। नाइट्रोजन के तीन ऑक्साइड है, NO है, NO2 है, N2O है, ठीक ना। उसके बाद जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से SO2, H2S, ठीक ना, और नाइट्रस ऑक्साइड, और इसी में नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी निकलता है। जीवाश्म खनिज के जलने से, कोयला पेट्रोल के जलने से कौन सी निकलती है? डीजल के जलने से CO2, CO और SO2। एसी, फ्रिज और प्लास्टिक को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो इनको जलाने से जो गैस निकलती है उस गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम है, एसी, फ्रिज या प्लास्टिक को जलाने से सीएफसी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, ठीक ना। एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा, गैसों के अलावा कई सारे कणकीय पदार्थ भी हैं। धूल कण भी ऐसे होते हैं, कई सारे ऐसे धूल कण भी हैं जो क्या करते हैं? वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा एरोसॉल। क्या नाम सुना होगा? एक नाम आपने सुना होगा एरोसॉल। अगर हम बात करें आपसे एरोसॉल क्या होता है, तो जो कोयला संचालित ताप विद्युत ग्रह होते हैं, या आपके घर में अगर चूल्हे पर खाना बनता है, आपकी माताजी लकड़ी या कंडे या उपले पर खाना बनाती हैं, और कच्चा मकान है, तो आप देखिएगा उस मकान की बाउंड्री पर, कच्चे मकान का मतलब है मिट्टी का बना हुआ, तो आप वहां पर देखिएगा धुआं जम जाता है, और धुआं जम जाता है उसी को क्या नाम दिया जाता है? उसी को नाम दिया जाता है आपका क्या? एरोसॉल। एक होता है फ्लाईएस, ठीक ना, एरोसॉल होता है, फ्लाईएस होता है, कणकीय पदार्थ भी होते हैं। तो फ्लाईएस भी यही इसी प्रकार का होता है, लेकिन वो चूर्ण रूप में पाया जाता है। आमतौर पर अगर मैं अपनी इस भाषा को और अच्छे शब्द में कहूं, तो जैसे आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में ये शब्द लिखा मिलेगा, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के कणकीय पदार्थों को क्या कहा जाता है? एरोसॉल कहा जाता है। और 10 माइक्रोन से अधिक बड़े आकार के कणकीय पदार्थों को पीएम पार्टिकल कहा जाता है। पीएम पार्टिकल के नाम से जानती हैं, पीएम कण के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और एरो और फ्लाईएस के संबंध में कहा जाएगा, जब हम लकड़ी या कोयले को जलाते हैं तो जो धुआं निकलता है उस धुएं को क्या नाम दिया जाता है? तो उस धुएं को नाम दिया जाता है फ्लाईएस। तो कणकीय पदार्थों, फ्लाईएस हो या एरोसॉल भी हो, इनके माध्यम से भी वायु प्रदूषण फैलता है, लेकिन यह कणकीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं कणकीय पदार्थों के अंतर्गत। अगर यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि
कि बताइएगा वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में गैसों के माध्यम से फैलेगा या ठोस गणकीय पदार्थों के माध्यम से फैलेगा। तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण सर्वाधिक गैसों के माध्यम से फैलता है, इसलिए हमने यहां पर गैसों का जिक्र आपसे अधिक किया है, इसलिए हमने गैसों का जिक्र यहां पर आपसे अधिक किया है, ठीक ना। चलिएगा अब अगर ये वायु प्रदूषक हैं तो ये मानव पर प्रभाव डालते होंगे, तो अब हम अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत वायु प्रदूषण में ही जो अगला पॉइंट हम पढ़ने चल रहे हैं वायु प्रदूषकों का मानव पर प्रभाव। तो कुछ वायु प्रदूषकों के नाम मैं नाम लिख रहा हूं, उनका मानव पर क्या प्रभाव होता है। तीन वायु प्रदूषकों के बारे में बेसिकली जानना आवश्यक है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है आपका SO2 और एक है आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO, ठीक ना। तो देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड सभी वायु प्रदूषकों में, सभी वायु प्रदूषकों में यह सर्वाधिक हानिकारक होती है, यह सर्वाधिक हानिकारक होती है, यह सर्वाधिक हानिकारक होती है। लगभग 50% लगभग 50% वायु प्रदूषण, लगभग 50% वायु प्रदूषण, लगभग 50% वायु प्रदूषण यह अकेले उत्पन्न करती है, यह अकेले उत्पन्न करती है। लगभग 50% वायु प्रदूषण अकेले उत्पन्न कौन करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले यदि आपको वायु प्रदूषण को कम करना है या वायु प्रदूषण को रोकना है तो सबसे पहले किस गैस के उत्पादन में रोक लगानी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के, किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर मैं आपसे कहूं कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलती है, तो जीवाश्म खनिजों के जलने से, तो हमें पेट्रोल कोयला से संचालित होने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसके स्थान पर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से या लाइट से, विद्युत ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जंगलों में लगने वाली आपको रोकना होगा, मैं जंगलों में लगने वाली आपको रोकना होगा। तो यदि इन दोनों को हम कम कर लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में क्या आ जाएगी, कमी। यहां देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यदि मानव के अंदर जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यदि सांस के माध्यम से मानव के अंदर प्रवेश कर जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस करती क्या है, रक्त के कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती है। और रक्त का कार्य क्या होता है, तो रक्त का कार्य होता है शरीर के संपूर्ण भागों में, शरीर के संपूर्ण हिस्सों में, शरीर के संपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन गैस का परिवहन करना। यदि यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है हमारे संपूर्ण शरीर में, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, रक्त को उसका कार्य करने में से रोकती है, रक्त को उसका कार्य नहीं करने देती है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त को कार्य करने से रोकती है, रक्त को कार्य करने से रोकती है। और रक्त का क्या आकार है, रक्त संपूर्ण शरीर में, रक्त संपूर्ण शरीर में, रक्त संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक ना। संपूर्ण शरीर में यह ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। अब बताइएगा आप यदि हमारे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो यदि हमारे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या हम लोग सांस ले पाएंगे, तो हमें सांस लेने में समस्या होगी, ठीक ना। ऑक्सीजन का परिवहन करता है,
और जब एक कार्य ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, ठीक ना, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीजन का परिवहन ना होने के कारण, दूसरे कलर से के पेन से लिखते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन ना होने के कारण, ऑक्सीजन का परिवहन ना होने के कारण, ऑक्सीजन का परिवहन ना होने के कारण क्या हो जाता है, सांस लेने में समस्या होने लगती है, सांस लेने में समस्या होती है, सांस लेने में क्या होती है, समस्या होती है। और जब सांस लेने में समस्या होगी, सांस लेने में समस्या होती है, और जब सांस लेने में समस्या होगी तो हमारा दम घुटने लगेगा, दम घुटने लगता है, और दम घुटने लगता है इसीलिए इस गैस को दम घुटने लगता है, जिसके कारण मृत्यु हो सकती है, जिसके कारण मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। यदि तुरंत ऑक्सीजन नहीं दिया जाए तो मृत्यु होने का डर है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यदि किसी मनुष्य के अंदर पहुंच जाती है तो वह सांस लेने में उसे समस्या होने लगती है, उसका दम घुटने लगता है, और जब उसका दम घुटने लगता है तो इस गैस को इसलिए एक नाम दिया गया, और इस गैस को नाम दे दिया गया दम घुटू गैस। क्या नाम दे दिया गया, इस गैस को एक नाम दे दिया गया, और नाम दे दिया गया दम घुटू गैस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दम घुटू गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जाना जाता है। किस गैस को जाना जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जाना जाता है, ठीक ना। चलिएगा, स्क्रीन शॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर देखिएगा, अगली बात यहां पर समझिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बाद दूसरी महत्वपूर्ण गैस जो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरी सर्वाधिक ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है, कौन सा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर हम बात करें कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहां से निकलती है, तो आप कहेंगे सर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो तेल रिफाइनरी से निकलती है, जहां पर तेल का शोधन किया जाता है, तेल रिफाइनरी। और उत्तर प्रदेश में एक तेल रिफाइनरी है, और उत्तर प्रदेश में इकलौती तेल रिफाइनरी है, और यह कहां है, मथुरा। तो जब तेल रिफाइनरी की चिमनी से, उनकी चिमनियों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, वायुमंडल में पहुंचती है, और वायुमंडल में नमी से अर्थात जलवाष्प वाटर वेपर से क्या करती है, रिएक्शन कर लेती है, और रिएक्शन करने के बाद निर्माण कर देती है H2SO3 का। किसका निर्माण कर देती है, H2SO3 का निर्माण कर देती है, सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण कर देती है, और यह H2SO3 पुनः जल से क्रिया कर लेता है, और जल से क्रिया करने के बाद निर्माण कर देता है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का। तो H2SO4 का निर्माण हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अब वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, और अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, जब वर्षा होगी तो वर्षा जल के साथ यह सल्फ्यूरिक अम्ल कहां पर आता है, धरातल पर, तो यहां पर बादल बन जाते हैं, और बादल बनने के बाद जब वर्षा होती है, बादल बनने के बाद जब वर्षा होती है तो इस वर्षा में क्या रहता है, एक तो वर्षा का जल पाया जाता है, और वर्षा जल के साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है, H2SO4। तो एक ऐसी वर्षा जिसमें वर्षा जल और H2SO4 पाया जाए, तो ऐसी वर्षा को एसिड रेन कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन सा है, तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल है सल्फर डाई, सॉरी उत्तरदायी अम्ल कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किसके द्वारा हुआ, SO2 के द्वारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा SO2 गैस कहां से निकल रही है, साफ साफ लिखा है मथुरा से निकल रही है, तो मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा दिखोगी, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा इसलिए दिखोगी क्योंकि यहीं पर SO2 गैस निकल रही है, ठीक ना। चलिए,
मथुरा से थोड़ी सी दूरी पर आगरा है, और आगरा में क्या है, प्यार की निशानी, और प्यार की निशानी मुमताज की याद में बनाया गया था ताजमहल, और ताजमहल पत्थर से बना है, कौन से पत्थर से बना है, संगमरमर के पत्थर से बना है, संगमरमर पत्थर से निर्मित है, बखूबी जानते हैं। जो बाबू सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसका रंग जो है पीला होता है, इसका रंग क्या है, पीला। तो मथुरा से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रंग पीला है, और इस गैस के पीले होने के कारण ही ताजमहल का जो सफेद रंग है, ताजमहल का या संगमरमर का जो सफेद रंग है वो कैसा होता जा रहा है, येलो, पीला होता जा रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है, या ताजमहल की संगमरमी मरी इमारतों का या पत्थर का पीले होने का कारण क्या है, तो कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। साथ ही साथ ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसको क्रैकिंग गैस के नाम से जानते हैं। क्रैकिंग, क्रैक मतलब होता है तोड़ना। यदि किसी पत्थर पर लगातार यह गिरती रहती है तो वह पत्थर को तोड़ देगी, तो यह उस पत्थर को तोड़ देगी, इसलिए इसको नाम दिया जाता है क्रैकिंग गैस। समझिएगा, अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर ताजमहल पर लगातार गिरती रही तो एक तो ताजमहल का रंग पीला हो जाएगा, और यदि लगातार लंबे समय तक यह लगातार गिरती रही तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जो ताजमहल पत्थर का बना हुआ है यह क्या हो जाएगा, नस्तनाबूत हो जाएगा या टूट जाएगा। तो ताजमहल को नस्तनाबूत होने से बचाने के लिए ताजमहल की सुरक्षा या ताजमहल को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, और एनजीटी के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा इसको क्या दिया गया, इसको संरक्षण भी दिया गया, ठीक ना। अब यहां पर अम्लीय वर्षा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा सबसे पहले कहां हुई थी, तो नॉर्वे देश में हुई थी, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय सूचना केंद्र है। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय सूचना केंद्र कहां है, तो अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय सूचना केंद्र जो है वो कहां पर है, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है, और नॉर्वे में ही विश्व में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी, यहीं पर सबसे पहले अम्लीय वर्षा को देखा गया था, ठीक है। यहीं पर बात समाप्त नहीं होती है, अभी रुकिएगा, जाइएगा मत, अभी रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, और थोड़ा सा रुकने के बाद एक चीज और समझते चलिएगा कि अम्लीय वर्षा कराने के लिए न केवल H2SO4 अम्ल उत्तरदायी है, बल्कि एक और अम्ल है जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है, और उस अम्ल का नाम क्या है, तो देखिएगा, नाइट्रोजन के बाबू तीन ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के तीन ऑक्साइड होते हैं, NO होता है, NO2 होता है, और N2O होता है। इन नाइट्रोजन के तीन ऑक्साइड हैं, और इन नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की उत्पत्ति कहां से होती है, तो इनकी उत्पत्ति होती है जो जेट विमान होते हैं, जेट विमान के ईंधन के जलने से, जेट विमान के ईंधन के जलने से, जेट विमान के ईंधन के जलने से इनकी क्या होती है, उत्पत्ति। जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जेट विमान कहां चलते हैं, समताप मंडल में चलते हैं, तो समताप मंडल में ओजोन परत को भी इनके द्वारा खतरा है, ओजोन परत की मोटाई दिन प्रतिदिन कम होती जा रही नाइट्रोजन का ऑक्साइड के कारण। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करते हैं, वायुमंडल में है और H2O से क्रिया करते हैं, जब ये H2O से क्रिया कर लेते हैं तो H2O से क्रिया करने के बाद किसका निर्माण करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, नाइट्रिक अम्ल किसका निर्माण कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर देते हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और जब यह नाइट्रिक अम्ल, फिर से वही बात है कि जब यह नाइट्रिक अम्ल वर्षा जल के साथ धरातल पर आता है, तो यदि किसी वर्षा में वर्षा जल हो और वर्षा जल के साथ साथ HNO3 पाया जाए, तो वर्षा जल और वर्षा जल के साथ साथ यदि HNO3 पाया जा रहा है, तो इस वर्षा को क्या नाम दिया जाएगा, तो इस वर्षा को नाम दिया जाएगा एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। अब यदि किसी वर्षा में HNO3 पाया जाए, वर्षा जल पाया जाए, और वर्षा जल के साथ साथ H2SO4 भी पाया जाए, तो यदि, तो ये तो अम्लीय वर्षा तो है ही, लेकिन ये हार्ड अम्लीय रेन है, कठोर अम्लीय वर्षा है। तो कठोर अम्लीय वर्षा, और कठोर अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन से अम्ल होने चाहिए वर्षा जल में, H2SO4 होना चाहिए, HNO3। अब यहां पर आपके सामने एक समस्या होगी, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये बताइएगा, यदि मान लीजिए प्रश्न आता है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल है,
एक ऑप्शन है H2SO4, एक ऑप्शन है HNO3, एक ऑप्शन है HCl और एक ऑप्शन है H2SO3। तो हम किसको सही करें, तो आप इसको सही करिएगा, इसको, इसके द्वारा, क्योंकि अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि तेल रिफाइनरियों की संख्या अधिक है, अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन भी होता है, ठीक ना। तो अब अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप किसको याद रखिएगा, तो याद रखिएगा H2SO4 की, ठीक ना। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। यहां पर हमारा जो इंक्वायरी नंबर है इसको एक बार मैं दिखा देता हूं। इस नंबर पर आप इस बैच से जुड़ने के लिए, आर ओ ए आर ओ से जुड़ने के लिए, इस नंबर पर आप एंट्री आर ओ ए आर ओ लिखकर हमें मैसेज कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको एडमिशन प्रक्रिया बता दी जाएगी। बार बार बताया जाता है आपको, हम लोग बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराएंगे, न केवल आपके बैच में, हमारे संस्थान में। जब से हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग करना स्टार्ट किया है, आज तक ऐसा कोई बैच नहीं होगा जिसमें हम लोगों ने अपनी बातों से मुकर गए हों या हमने अपनी बातें पूरी ना की हो। तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ सभी सदस्य आपको पढ़ाएंगे। तो जल्दी से इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।